वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज। तो आपके सामने काफ़ी बार ये सिचुएशन आती होगी कि आप जब प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट फैसिलिटी क्लाइंट को ऑफर करते हैं तो उसके अंदर जो प्रमोटर मार्जिन हमने रखना होता है, तो प्रमोटर मार्जिन अलग अलग परसेंटेज वेरी करता है। 25% नॉर्मली बैंक प्रमोटर का मार्जिन लगाते हैं। तो 25% मार्जिन का मतलब ये हो गया कि अगर 100 रुपये का उसने माल एक्सपोर्ट करना है तो 100 रुपये में से 75 रुपये बैंक का लोन होगा और 25 रुपये जो है वो प्रमोटर खुद से अपना पैसा डालेगा इस एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी डिबेट होती है कि कई बार बोरोअर बोलता है कि मार्जिन कम लीजिए, मेरे को पैसा कम डालना है, आप इतना पैसा मत लगाइए। तो हमें कैसे आइडियली डिसाइड कर लेना चाहिए कि मिनिमम मार्जिन हम कितना पैकिंग क्रेडिट पे लें? तो पहले बात इस बात का याद रखना आप हमेशा कि जो ये मेरी सजेशन है, ये सजेशन एक वर्स्ट केस सिनेरियो के रूप में लीजिए। इसको वर्स्ट केस सिनेरियो के रूप में सजेशन को लेना। एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, एक्चुअल क्रेडिट कॉल केस टू केस बेसिस पे डिफर कर सकती है और जो मेरी सजेशन है वो भी काफ़ी एंगल से डिबेटेबल भी है, तो उसमें काफ़ी आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। बट किसी हद तक आप पाएंगे कि आप इस बात को पकड़ के किसी पॉइंट तक आप ये बोल सकते हैं कि चलो इस पॉइंट पे बहस कर लेते हैं। और इतना मार्जिन तो क्लाइंट को हमेशा इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए प्री शिपमेंट के केस में। तो खाली प्री शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट की बात कर रहे हैं हम। पहले जस्ट ब्रीफ मैं आपको कर देता हूं कि प्री शिपमेंट फैसिलिटी होती क्या है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूंगा मैं। तो देखिए प्री शिपमेंट फैसिलिटी क्या होती है कि नाम से ही क्लियर है, प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट मतलब शिपमेंट से पहले। तो जब किसी क्लाइंट को कोई एक्सपोर्ट करना होता है, किसी बोरोअर को कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है उसको वो एग्जीक्यूट करना है, मान लीजिए उसको बोला कि 100 T-shirts बना के अमेरिका में एक्सपोर्ट कीजिए, तो 100 T-shirts एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि जिस दिन शिपमेंट होगी उस दिन उसका एक्सपोर्ट माना जाएगा, शिपमेंट डे उसका एक्सपोर्ट का दिन माना जाएगा। तो अगर ये उसकी एक टाइमलाइन है जिसमें ये शिपमेंट डेट है, ये शिपमेंट डेट है, तो 100 T-shirts उसने इस डेट तक शिपमेंट करनी है। तो जिस दिन ये शिपमेंट हो जाएगी, जिस दिन ये शिपमेंट डेट होगी यानी बिल ऑफ लेडिंग डेट जो होगी, उस दिन उसको एक्सपोर्ट मान लेंगे और उस दिन ये फॉरेन पार्टी के डेटर्स रिकॉग्नाइज कर देगा, अपनी किताबों में एक्सपोर्ट डेटर्स बना लेगा जिस दिन बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा या जिस दिन शिपमेंट होगी। तो जो शिपमेंट के बाद वाला पीरियड है उसको तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस बोलते हैं। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में तो खाली, क्योंकि एक्सपोर्ट ये कर चुका है तो खाली सिर्फ डेटर्स की रिकवरी पेंडिंग है, डेटर्स रिकवरी पेंडिंग है। पर जो ये प्री शिपमेंट पीरियड होता है, शिपमेंट से पहले वाला पीरियड, तो इसमें इसको ये सारी जो टी शर्ट्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इसको रॉ मटेरियल परचेज करना है, इसको लेबर को पैसा पे करना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पे करना है, और भी इसको जो टी शर्ट बनाने के लिए जरूरी खर्चे जो हैं, यानी जो डायरेक्ट खर्चे हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे जो जरूरी हैं, ये सारे इनकर करने हैं। तो इन खर्चों को ही इनकर करने के लिए, इन खर्चों को ही मैनेज करने के लिए, और ये सारा जो स्टॉक है 100 T-shirts का, ये स्टॉक रेडी करने के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंस दिया जाता है। तो ये काइंड ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस जो है वो स्टॉक फाइनेंसिंग होती है। प्री शिपमेंट फाइनेंस स्टॉक फाइनेंसिंग है और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है वो डेटर्स की फाइनेंसिंग है कि जो डेटर्स में पैसा लग चुका है उसके बदले में बैंक उसको फाइनेंस करके दे रहा है। तो आज हम प्री शिपमेंट की बात ही कर रहे हैं अपने पास। तो क्योंकि प्री शिपमेंट फाइनेंस एक स्टॉक की फाइनेंसिंग होती है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक कौन सा शिपमेंट, कौन से स्टॉक का शिपमेंट करना होता है, जो स्टॉक फिनिश हो चुका है, फिनिश्ड गुड्स का शिपमेंट करेंगे ना, रॉ मटेरियल का तो शिपमेंट करेंगे नहीं, जो आपकी फिनिश्ड गुड्स है, जो आपके लिए फिनिश्ड है गुड्स। तो स्टॉक की वैल्यूएशन हम किस वैल्यू पे करते हैं, फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन वो करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ऊपर की जाती है कि अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1000 रुपये है, मतलब 1000 रुपये का आपने कॉस्ट इनकर किया है 1000 T-shirts बनाने में, 1000 T-shirts बनाने में, तो 100 T-shirts बनाने में आपने कितना इंकर किया होगा? ऑब्वियसली 100 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्रोपोर्शनेटली। अगर 1000 T-shirts के पीछे 1000 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है तो 100 T-shirts के बदले कितना होगा? 100 रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो मतलब इसको ये 100 रुपये चाहिए इन 100 T-shirts को बनाने के लिए, तो इन्हीं 100 रुपये की फंडिंग ये हमसे मांगने आता है और उसमें से हम बोलते हैं कि कितना पैसा हम देंगे और कितना प्रमोटर खुद का मार्जिन लगाएगा। तो देखिए नॉर्मली हम प्री शिपमेंट की जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर करते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर करते हैं कि उसको 1000 रुपये की वैल्यू का ऑर्डर आया, यानी $1000 का ऑर्डर आया
उसके ऊपर हम कंप्यूट करते हैं। अगर आप प्री शिपमेंट की इलिजिबिलिटी कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे ही कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए ये लेक्चर वर्दी नहीं है। पर अगर आपका बैंक, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, अगर आपका बैंक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के बेस पे कैलकुलेशन कर रहा है तो आपके लिए ये लेक्चर वर्दी है, मतलब काम का लेक्चर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है यानी कि उसको $1,000 का ऑर्डर मिला, तो यानी कि $1,000 की वैल्यू की गुड्स उसको सप्लाई करनी है। तो $1,000 तो इसका फाइनल प्राइस है, इसका फाइनल प्राइस है गुड्स सेल करने का। इस फाइनल प्राइस में इसका प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट भी एडेड है। तो अगर हम 1000 रुपए के ऑर्डर के ऊपर फाइनेंसिंग करेंगे, मान लीजिए 25% के हिसाब से, तो अगर हम इसको $750 का प्री शिपमेंट फाइनेंस देंगे और बोलेंगे इसको कि $250 तू अपने कंट्रीब्यूट कर, तो ये $750 में भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम क्लाइंट को जो प्री शिपमेंट फाइनेंस के पैसे दे रहे हैं, अगर ऑर्डर की वैल्यू के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, तो हम उसका प्रॉफिट भी फाइनेंस कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। जबकि ये किसकी फाइनेंसिंग है, ये सिर्फ कॉस्ट की फाइनेंसिंग होनी चाहिए, स्टॉक की फाइनेंसिंग होनी चाहिए। तो अगर आपका जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको जब आप बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे आपकी सेल्स आती है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे आपकी परचेस, यहाँ पे आपके डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग खर्चे आ गए, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो बाकी उसके बाद आपके इनडायरेक्ट खर्चे आ जाते हैं नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपके जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है वो स्टॉक की फाइनेंसिंग है, और स्टॉक की फाइनेंसिंग किस पे होती है, स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है, COGS क्या होती है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मतलब कहने का कि जब अगर आप प्री शिपमेंट की एलिजिबिलिटी उसकी एक्सपोर्ट ऑर्डर की वैल्यू पे निकाल रहे हो तो उसका आप प्रॉफिट भी फंड कर रहे हो। तो आपको आइडियली चाहिए कि जब उसकी जो फाइनेंसिंग, पहले तो फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए कि आपकी फाइनेंसिंग आइडियली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेशन होनी चाहिए। पर कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना बड़ा कंबरसम हो जाता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो आप फिर उसका जो मार्जिन मिनिमम स्टिपुलेट इतना कीजिए कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट है क्लाइंट का, जितना ग्रॉस प्रॉफिट है आप इतना स्टिपुलेट कीजिए कि एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट जितना प्रमोटर मार्जिन तो क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूट करे ही करे, एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट जितना मार्जिन हो ही हो, ताकि अगर आपके पास $1,000 की वैल्यू का ऑर्डर आया और उसका एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 3 सालों के फाइनेंशियल्स में मान लीजिए 15% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो $1,000 में से अगर वो 15% का भी आप मार्जिन रख लेंगे, 15% का मार्जिन रख लेंगे, तो आप $850 की फाइनेंसिंग करेंगे। तो एटलीस्ट इतना तो मेक श्योर होगा कि आप उसको क्या, आप उसको सिर्फ कॉस्ट की फाइनेंसिंग दे रहे हो, कि आप सिर्फ कॉस्ट की फाइनेंसिंग दे रहे हो, और जो प्रॉफिट का मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो उससे आप सेल्फ कंट्रीब्यूट करवा रहे हो, सेल्फ कंट्रीब्यूशन में ले रहे हो। आइडियली होना इसका उल्टा चाहिए, होना क्या चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी $1,000 की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर ही कैलकुलेट होनी चाहिए, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट वाला फंड आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। पर अगर आप सेल वैल्यू के ऊपर एलिजिबिलिटी निकाल रहे हो तो एटलीस्ट क्लाइंट से, सेल्स टीम से इतना डिबेट कीजिए कि प्रमोटर मार्जिन इतना भी मत गिराए। अगर मान लीजिए वो 20% ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे कमा रहा है तो क्लाइंट बोले कि जी मेरी $1,000 की वैल्यू का फिनिश्ड गुड्स का ऑर्डर है, आप सिर्फ 10% ही मार्जिन लो, तो भाई $1,000 में से 20% तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी जुड़ा ही होगा, तो $800 तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही है। तो वो आपको कह रहा है कि 10% मार्जिन करने का, यानी कि आपको कह रहा है कि $900 के ऑर्डर की वैल्यू को फाइनेंस करने का, तो ये तो चीज टेक्निकली गलत है ना। आइडियली तो $800 के ऊपर भी उसका मार्जिन लगना चाहिए, पर हम फॉर द सेफर साइड इस तरह से अगर इतनी कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट इतना इंश्योर करें कि उसका जितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्जिन उससे जरूर प्री शिपमेंट के मिनिमम मार्जिन के शेप में कॉन्ट्रीब्यूट करवाएं करवाएं। हालांकि फंडामेंटली कहीं ना कहीं ये भी गलत है, बट अगर आपका फॉर्मूला बैंक का अलाउ नहीं करता तो ये आपके पास एक लास्ट ऑप्शन मिनिमम आपको प्रेजेंट करनी चाहिए सेल्स टीम के आगे। हालांकि इनडायरेक्ट खर्चे भी उसने इनकर करने होते हैं, पर इनडायरेक्ट खर्चे की फाइनेंसिंग हम प्रज्यूम करेंगे कि वो इतना तो खुद से फंड करे, क्योंकि हम तो सिर्फ कॉस्ट तो हम पूरी फंड कर रहे हैं अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रहे हैं। तो अगर आपका मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही 1-2% है तो तब क्या करें, तब हमारे बैंकिंग में नॉर्मली क्रेडिट, वैसे तो बैंक टू बैंक कॉल है, क्रेडिट कॉल है, बट हम बैंक में मान के चलते हैं कि कम से कम 10% मार्जिन तो हमें लोअर साइड पे तो लेना ही चाहिए प्री शिपमेंट के केस में। तो आई होप आपको इसको समझ आया होगा। तो आपको कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल के पूछिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइज़।